चैनल आज हम लोग एमसीयू टाइप क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज ए सिंगल फेज मोटर इज ऑप्शन ए सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन बी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन सी सेल्फ स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी विंडिंग, ऑप्शन डी सेल्फ स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर इन सीरीज। मतलब आपका जो सिंगल फेज मोटर है उसका स्टार्टिंग कैसे होगा, आपका ऑक्सिलरी जो विंडिंग है उस वो रहेंगे तो वो क्या होगा, सेल्फ स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन ए हैज टू स्टेटर विंडिंग कनेक्टर इन द सीरीज अक्रॉस द सप्लाई has two winding main and starting the same value of the resistance and the reactance of the connected across the supply, has the main winding has low resistance and high resistance and starting winding high resistance and low reactance, has main winding and starting winding both are high reactance and low resistance। मतलब आपका जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, आपका दो विंडिंग रहेगा, एक मेन विंडिंग रहेगा, एक स्टार्टिंग विंडिंग, सेम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। मतलब जो ऑप्शन जो बी है ये आपके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, आपका मेन विंडिंग इज कनेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्टार्टिंग विंडिंग इज कनेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड बोथ द विंडिंग आर कनेक्टेड विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड नन ऑफ द विंडिंग इज कनेक्टेड टू द थ्रू द स्विच। मतलब आपका जो इंडक्शन मोटर है स्प्लिट फेज का, इसमें क्या होगा, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, आपका स्टार्टिंग विंडिंग है, वो कनेक्टेड रहेगा विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द सिंगल फेज मोटर कैन बी इंप्रूव बाय कनेक्टिंग विद ए कैपेसिटर। मतलब आपका जो सिंगल फेज मोटर है उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कैसे इंप्रूव कर सके, तो अक्रॉस द सप्लाई टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल में हमारा अक्रॉस इंप्रूव कर सके, इन सीरीज विद द मेन विंडिंग, इन सीरीज विद द स्टार्टिंग विंडिंग एंड विद द बोथ द विंडिंग इन सीरीज। मतलब आपका जो स्टार्ट कैपेसिटर कनेक्ट करना है, आपका क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करना है आपका स्टार्टिंग विंडिंग के साथ। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द कैपेसिटर ऑफ द सिंगल फेज मोटर शॉर्ट सर्किटेड द मोटर व्हील। मतलब आप क्या कि आप कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तब क्या होगा, आपका मोटर स्टार्ट होगा नहीं स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद जार्क एंड द स्टार्टिंग विंड एंड देन स्टॉप। मतलब क्या होगा, आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क उसमें नहीं मिलेगा, तो आपका आपका जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ व्हिच मेक्स द स्टिंग करंट एंड द रनिंग करंट। मतलब आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है कैपेसिटर का, उसके साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, जो एंगल होगा उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, कॉस साइन अल्फा, कॉस ए एंड कॉस ए बाई टू एंड कॉस ए, मतलब वो साइन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर मोटर इज जनरली रन मोटर, द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इज यूज। मतलब हम लोगों को जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, इट हैज हायर फुल लोड एफिशिएंसी, इट हैज हायर स्टार्टिंग टॉर्क, इट हैज लोअर स्टार्टिंग टॉर्क, ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम लोग ये जो तीन है, तीन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन ए कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर एंड रन मोटर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यूज। मतलब हम लोग जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम लोग जब यूज करते हैं वो क्या है, हम लोग ऑप्शन है एयर कैपेसिटर, ऑप्शन बी पेपर कैपेसिटर, डाई टाइप एसी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एंड पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्डेड टाइप कैपेसिटर। मतलब हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो क्या स्टार्ट करने के लिए उसमें हम लोग क्या क्या पेपर स्पेस ऑयल फील्डेड टाइप कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग विंडिंग, द सीलिंग फेलिज। ऑप्शन है 32 माइक्रोफेराड, 16 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड माइक्रोफेराड। ये क्या होगा, आपका माइक्रोफेराड रेंज में होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज माइक्रोफेराड। द डीओआर ऑफ द सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, ठीक, कैपेसिटर मोटर ऑब्जर्व बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ। मतलब हम लोगों को कैपेसिटर जो मोटर है, मोटर में कनेक्शन क्या क्या हम लोग इंटरचेंज किया, मेन विंडिंग एंड स्टार्टिंग विंडिंग, स्टार्टिंग विंडिंग, मेन विंडिंग, एनी ऑफ टाइप ऑफ द स्टार्टिंग एंड मेन विंडिंग। मतलब हम लोग कौन सा एक विंडिंग का कनेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे तो उसका उसका क्या होगा, उसका रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सिंक्रोनस मोटर रन्स, मतलब सिंक्रोनस मोटर रन होती है, कैसे रन होती है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, नन ऑफ द अबव। मतलब सिंक्रोनस जो मोटर है उस वो हमेशा रन होती है सिंक्रोनस स्पीड में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, सिमिलर टू द डीसी कंपाउंड मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर,
डीसी शंट मोटर अल्टरनेटर, मतलब आपका जो सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन है लाइक द अल्टरनेटर। तो हम लोगों को राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर रन, ऑप्शन है थ्री पेज एसी सप्लाई, थ्री पेज एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई थ्री पेज एसी एंड सिंगल फेज सप्लाई, मतलब हम लोगों को थ्री पेज एसी और डीसी में सप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर रन्स एट, ऑप्शन है यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, एनी ऑफ द अबव, मतलब सिंक्रोनस मोटर लीडिंग लैगिंग यूनिटी तीनों भी रन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इन ए सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन द थ्री फेज सप्लाई, इट्स रोटर विंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, इट विल, मतलब हम लोग सिंक्रोनस मोटर है उसमें जो रोटर विंडिंग हो गया वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा? ऑप्शन है स्टार्ट होगा, नॉट स्टार्ट होगा, स्टार्ट एंड कंटिन्यू रन एज इंडक्शन मोटर, स्टार्ट एंड कंटिन्यू रन एज सिंक्रोनस मोटर, मतलब उसमें क्या होगा, आपका जो इंडक्शन, आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो लाइक द रन एज ए इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।